मंगलौर में बीते दिन मतगणना के दौरान पुलिसकर्मियों पर पथराव करने के आरोप में पुलिस ने 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं इन आरोपियों में एक कांग्रेसी नेता भी शामिल है जो पूर्व में राज्य मंत्री भी रह चुके हैं। दरअसल उनकी पत्नी प्रधान निर्वाचित हुई हैं। बता दें कि मंगलौर में गुरुवार को मतगणना के दौरान आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी कार्यकर्ताओं ने मतगणना में धांधली का आरोप लगाते हुए हंगामा कर दिया था, जिसके बाद धरने पर बैठ गए थे। इसी दौरान कार्यकर्ताओं ने पुलिस बल पर पथराव कर दिया था, जिसमें चौकी इंचार्ज मनोज गौरेला समेत 5 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। वहीं मंगलौर प्रभारी निरीक्षक राजीव रौथान ने बताया है कि मतगणना के दौरान कुछ सामाजिक तत्वों ने पुलिस पर पथराव किया था, जिसमें पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे, जिनका निजी अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं 12 उपद्रवियों को गिरफ्तार कर लिया गया है, साथ ही सीसीटीवी कैमरों की मदद से अन्य उपद्रवियों की तलाश जारी है। मंगलौर से राहुल सैनी की रिपोर्ट। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मतगणना के दौरान गुड़ मंडी के गेट के पास कुछ उपद्रवियों द्वारा अराजक तत्वों द्वारा फैलाने का प्रयास किया गया था, जिसमें जो है पथराव भी हुआ उनके द्वारा, जिस संबंध में जो है हमारे द्वारा मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और 12 व्यक्तियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी मौके पर की गई है, जिससे जो है लोगों को चिन्हित किया जाएगा और उनके अनुसार तदनुसार आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।